विश्वास 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 कौन हो तुम? मैं राजकिशोर अंकल जी, विश्वास का दोस्त। आपने पहचाना नहीं? गुड़गांव वाला राजकिशोर? हाँ जी, हाँ जी। वो क्या है कि विश्वास जब भी गुड़गांव आता है तो बस बस मेरे यहीं रुकता है। क्या है अंकल, वो न्यू ऑफिस की ओपनिंग थी यहाँ पे, कोलिग्स भी थे। मैंने मना भी किया कि यहाँ से किसी दोस्त के घर जाना पड़ सकता है, लेकिन पिला दिया अंकल उन्होंने। विश्वास अंदर है अंकल जी? नहीं, दिल्ली गए हैं सभी किसी काम से। अच्छा, मेरा फोन ऑफ हो गया था अंकल जी, इसलिए, नहीं तो फोन करके आता मैं। तो मैं चलूं अंकल जी फिर? हाँ ठीक। रुको। हाँ जी। रात काफी हो गई, कहाँ जाओगे? यहीं सो जाओ, सुबह विश्वास आ जाएगा, मिलकर चले जाना। जैसा आप कहें अंकल जी। दरवाजा। वहां से लाइट चला देना। आ जाओ। खाली पी है या कुछ खाया भी है? नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए अंकल जी। नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ, वैसे भी अच्छा। घर में कुछ खाने का है नहीं। कुछ आपने कुछ नहीं खाया? मैं बना सकता हूँ। समझता हूँ, पीने के बाद खाली पेट नींद नहीं आती ना। आ जाओ अंदर, आ जाओ। चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ो। ऊपर देखो, ऊपर हाथ मार लो। हाँ हाँ, इधर ही। हाथ नहीं चढ़ा अंकल जी। स्टूल ले लो ना। चढ़ जाओ इस पे। हाँ, ऊपर हाथ मार लो। कहाँ अंकल जी? लेफ्ट में अपने। हाँ, खाली डिब्बा है, रख दो इसको, फेंक दो इसको। और लेफ्ट में। और लेफ्ट? अपने लेफ्ट नहीं, मेरे लेफ्ट यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा। भी खाली है। चाकू रख दो यार, डिब्बा है, रख दो यार, खून निकल आएगा। खिला नहीं सकता तो क्या हुआ, पिला तो सकता ही हूँ। आ जाओ। अंकल जी, वो गिलास नहीं मिल रहे हैं यहाँ। उधर ऊपर रखे होंगे, कांच के गिलास देख लो। हाँ मिल गए। तोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, टूट गए। एक ही बात है अंकल जी, खीरे भी हैं। सलाद काट लो। टमाटर भी हैं। वो भी काट लो अंकल जी। दही भी है। रायता बना लो। नहीं नहीं, मेरा मत बनाना। एक छोटा सा अंकल जी। नहीं बिल्कुल नहीं, चल जाएगा। पी नहीं पाता। पक्का? हाँ। चीयर्स।
अंकल जी एक बात बोलूं? अंकल जी पुरानी शराब तो ऐसे ही पिलानी चाहिए, सलाद के साथ, टमाटर के साथ, रायते के साथ। एक आपका बेटा है विश्वास, 5-5 रुपए वाली वो भुजिया के पैकेट ले आएगा जिसमें आधे वाह भरी होते हैं। अंकल जी कुछ नहीं सीखा उसने आपसे। मेरी सुनता ही कहाँ है जो मुझसे कुछ सीखेगा। लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं टालता वो। बीकॉम में एडमिशन तुम्हारे कहने पर लिया था ना उसने? मैं उसको स्कूटर दिलाना चाहता था। कौन सी बाइक थी? पल्सर 150। पल्सर तुम्हारे कहने पर ली थी ना उसने? अंकल जी विश्वास ना मेरे छोटे भाई जैसा है, बस थोड़ा आंख समझ लेते हैं हम एक दूसरे पे। अच्छा वैसे दिल्ली क्या करने गया है वो? बड़े शहर की बड़ी इमारतों में एक छोटा सा फ्लैट देखने गया है पीवी के साथ। ये तो बताया ही नहीं उसने। तरक्की कर रहा है विश्वास तो। किस बात की तरक्की? पुश्तैनी घर को बेचकर शहर में फ्लैट खरीदना कब से तरक्की हो गया? अपने खुद के कमाए पैसे से शहर में एक टॉयलेट भी खरीद कर दिखाए। तरक्की, तरक्की की बात करते पियो। नहीं अंकल जी वो हो गया। बोला ना पियो। जी ये दीवारें देख रहे हो? ये सिर्फ दीवारें नहीं है, मेरे बचपन से लेकर विश्वास के जवानी तक की कहानियां बसी हैं इसमें। उधर वहां रसोई घर है, मेरी मां की आत्मा बसती है वहां। आज भी मुझे अपने हाथों से गर्मनी वाला खिलाते हुए ऐसे मुस्कुराती है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख पा लिया। रोको ना, पिताजी जब तक वहां बैठकर मुझे आजादी के किस्से नहीं सुना लेते थे ना उनको नींद आती थी और ना मुझे। माँ और बाबूजी के जाने के बाद ये छाती आशीर्वाद बनकर हमेशा मेरे परिवार के सर पर रही। विश्वास इस घर की मिट्टी और पत्थर का मोल लगा सकता है लेकिन उन यादों का मोल नहीं लगा सकता जो इस घर के हर कोने में बसी हुई है। कैसे बिकने दो इस घर को जिसमें मेरी आत्मा बसती है। भावुक भावुक हो गया मैं, भावुक हो गया मैं। रात हो गई काफी, अंदर वाले कमरे में सो जाओ।
राजकिशोर, सुबह उठकर मेरा एक काम कर दोगे बेटा? जल्दी चलो। हाँ हाँ, चल तो रहा हूँ। सरिता। हाँ? जरा पानी गर्म कर दे यार। ला रही हूँ। और आज मुझे फाइनल बता देना क्या करना है। वो तो आप देखो, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ आप रहोगे। हाँ तो बस फाइनल है। राजकिशोर भैया, आप सरप्राइज यहाँ? चौंक गए? अरे कल रात को ही आया भाई, तुम लोग तो थे नहीं। ऑफिस की ओपनिंग पार्टी थी तो मैंने सोचा चलो विश्वास के यहाँ रुक जाऊँगा। हाँ लेकिन एक बात बताऊँ, तुम होते ना तो भी इतना मज़ा आज तक नहीं आया जितना अंकल जी के साथ रात में आया। अंकल जी? रेहान, तुम्हारे पिताजी। बाबू जी को गए आज 15 दिन हो गए। पड़ोस के लड़के को भी घर की छत पर टहलते हुए दिखाई दिए थे। फिर साथ वाले वर्मा अंकल जी, उन्होंने भी घर में बैठे देखा। जब जिंदा थे तो घर का पिछला दरवाजा हमेशा खुला रखते थे। अब सरिता बंद करती है तो अपने आप खुल जाता है। पता नहीं किसके आने का इंतजार है। सबको दिखाई देते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ही क्यों नहीं कह देते? मेरी सुनता ही कहाँ है जो मुझसे कुछ सीखेगा। लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं डालता वो। राजकिशोर, सुबह उठकर मेरा एक काम कर दोगे बेटा? भैया चाय। दिल्ली में फ्लैट ले रहे हो ना तुम? हाँ, बड़ा शहर है तो कुछ ना कुछ काम भी ढूंढ लूंगा वहाँ। वैसे भी हमारे लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। है ना, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ बस ही तुम दोनों की यादें हैं। 15 दिन भी नहीं हुए विश्वास, और तुम इन यादों को बेचने भी चल दिए। भैया इस घर को बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन काम और तो भैया आप ही बताओ ना मैं क्या करूं। कुछ नहीं, मेरे यहाँ वाले ऑफिस को ज्वाइन कर लो। चाय पियो। और जब खुद के पैसे कमा लो तब दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लेना। राधेश्याम प्रॉपर्टी। विश्वास, मेरी एक बात याद रखना, किसी पुश्तैनी मकान को बेचकर नया लेना ना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी नए मकान को पुश्तैनी बनाने में ना पुश्तें निकल जाती हैं। हाँ राधेश्याम जी। जी बोलिए। विश्वास भाई, आज 12 बजे पार्टी आवेगी, पैसा ले लेना पकड़ लेना। जी ऐसा है, अब मत भेजिएगा। अरे लेकिन क्यों, बात हुई थी? वो क्या है कि अब घर बिकाऊ नहीं है। अरे विश्वास भाई, पार्टी रेडी है, क्या बात कर रहे हैं आप? हेलो पकोड़े खाओगे? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये चाय दोबारा गर्म हो सकती है? ठीक है, चलो आओ कुछ काम की बातें कर ले। बस भैया मैं 2 मिनट में नहा के आया।
पे रखे माँ की मुस्कान है, बाबा के किस्से मुझको सब याद है, आंगन का बचपन थोड़ा नादान है, याद है मुझको तेरी छोटी छोटी बातें, हर कोने गुनगुनाते पुश्तैनी बन जाते, ओ छोटी छोटी बातें हर कोने गुनगुनाते पुश्तैनी बन जाते, ओ